टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कैटरीना कैफ विकी कौशल। नंबर 1, कैटरीना का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। ये आज 38 इयर्स की हैं। इनका पापा मोहम्मद कैफ बिजनेसमैन हैं और इनका मादर एक लॉयर हैं। इनके 7 बहन भाई हैं, जिनमें 6 बहन और 1 भाई है। नंबर 2 गाइस, विकी का जन्म 16 मई 1988 को सपनों के शहर मुंबई के एक चाल में विकी कौशल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्याम कौशल है, जो कि स्टेंटमैन और एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। वहीं विकी के मां की नाम भीना कौशल है और इनका एक छोटा भाई है। गाइस, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 3 गाइस, कैटरीना ने केवल 14 साल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। उसके बाद उन्हें पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद कैटरीना B10 में नहीं दुनिया में फेमस मॉडल बन गई थी। नंबर 4 गाइस, विकी कौशल एक इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री पढ़ाई की थी। दोस्तों, विकी कौशल के पिता चाहते थे विकी के पास अच्छी नौकरी हो, लेकिन उन्होंने मूवी देखने में काफी शौक था। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक IT कंपनी में जॉब की और कुछ दिन बाद विकी कौशल सोचने लगे ये जॉब हमारे लिए सुइटेबल नहीं है। इसके बाद उन्होंने जॉब छोड़कर पापा के साथ शूटिंग पर जाया करते थे। उसके बाद विकी ने एक्टिंग कोर्स पर ज्वाइन की थी। नंबर 5 गाइस, कैटरीना का पहला बूम फिल्म से शुरुआत हुई थी। उसके बाद साल 2003 में कैटरीना को और एक फिल्म में काम मिला, जिसका नाम था साया। इस फिल्म में 2 दिन काम किए थे। उसके बाद उन्होंने हिंदी नहीं जानने के लिए फिल्म से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म करी थी, जिसका नाम मलेश्वरी। ये फिल्म काफी सक्सेस रही, जिसमें कैटरीना को पहचान मिली थी। साल 2005 में कैटरीना ने सलमान खान और अरबाज खान की एक मूवी आई थी। उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही। इस फिल्म से ही कैटरीना का दोस्ती सलमान खान से हो गई और कैटरीना को बॉलीवुड में पहचान मिली थी। नंबर 6 गाइस, विकी कौशल फिल्म में काम करते हुए नजर आए 2012 में लव सौते चिकन खुराना में छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला और उसके बाद 2013 में एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म ग्रीक आयु और 2015 में बॉम्बे वेलवेट फिल्म में सपोर्टिंग रोल करते हुए नजर आए और उसके बाद विकी को एज ए लीड एक्टर मसान फिल्म में मौका मिला। इस फिल्म के लिए IFA स्क्रीन अवार्ड मिला था। इसके बाद विकी को 2019 में उरी फिल्म में एज ए एक्टर के रूप में पहचान मिली। नंबर 7 गाइस, कैटरीना को बॉलीवुड में आने के बाद डेटिंग के चर्चे सबसे पहले और सबसे ज्यादा सलमान खान साथ ही रही है। मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से हुई दोस्ती बहुत लंबी चली और ये दोस्ती आज भी है, पर लोगों ने इस दोस्ती को हमेशा अफेयर ही बताया और सलमान खान कैटरीना ने इस दोस्ती से नहीं और कुछ बताया। सलमान खान के बाद कैटरीना के चर्चे रणबीर कपूर से साथ रहे और सही में दोनों ने रिलेशनशिप में थे। 2009 में रणबीर कपूर और कैटरीना एक दूसरे से मिले फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान और इस फिल्म के बाद दोनों के नजदीकियां बनने लगी थी। नंबर 8 गाइस, बॉलीवुड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर की अहम भूमिका है। जब टॉक शो कॉफी विद करण शो पर कैटरीना को सवाल पूछा था कि ये आगे चलकर किसके साथ काम करना पसंद करेंगी, तब उसके जवाब में कैटरीना ने विकी कौशल का नाम लिया था। जब ये बात करण ने विकी को बताई, विकी ये बात सुनकर दिल पर हाथ रखकर बहुत खुश होने लगी। फिर विकी ने साल 2019 में स्टार स्क्रीन अवार्ड के दौरान सरेआम शादी का प्रपोजल दिया। उसके बाद साल 2019 के IFA अवार्ड और जी सिनेमा अवार्ड में एक साथ बैठे हुए देखा गया था। नंबर 9 गाइस, 7 नवंबर कैटरीना और विकी कौशल गाए ऑन RC सीक्रेट डिनर डेट में। इस डेट की पिक्चर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान ही विकी कौशल कैटरीना के अपने साथ में टाइम स्पेंड किया और एक साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट ही किया से ही टाइम स्पेंड करना खुलासा होता रहता है। कैटरीना ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया था जिसमें व्हाइट ड्रेस पहनी थी। उसके एक दिन बाद विकी ने
सोशल मीडिया पर उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहन के पोस्ट किया था। उसके बाद कैटरीना और विकी कौशल के फ्रेंड हो गए थे सियोर, जो कि ये दोनों है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में। लेकिन अब जबकि शादी करने जा रहे हैं 9 दिसंबर को, तब भी ऑफिशियल ही विकी कौशल और कैटरीना मानने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 10, दोस्तों कैटरीना कैफ विकी कौशल शादी के चर्चे में काफी दिनों से हो रही थी। फाइनली इन दोनों ने शादी के बंधन में बन चुके हैं। इन्होंने शादी के फंक्शन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। इनका वेडिंग कार्ड भी बहुत ही एक्सपेंसिव था दोस्तों। इनकी शादी के कार पर गोल्ड लगाया गया था, साथ में गेस्ट के लिए चॉकलेट रखे थे दोस्तों। कैटरीना कैफ शादी देश में ही मनाना समझा। इनकी शादी का फंक्शन राजस्थान के सिख सेंसी फोर्स में रखा गया था। इन्होंने शादी के थीम रेड रखे थे, इनमें हर चीज रेड कलर की हुई थी दोस्तों। अब बात करें सेलिब्रिटी की, तो इनकी शादी में बड़े सितारे शामिल हुए थे, जिनमें कुछ सेलिब्रिटी के नाम है सलमान खान, अक्षय कुमार, फराह खान, कबीर खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, रवीना टंडन और भी सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। साथ ही साथ सेलिब्रिटीज ने कैटरीना और विकी कौशल को शादी के बधाई के साथ साथ बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिया है दोस्तों। कैटरीना के विकी कौशल ने वेडिंग ड्रेस राजस्थान स्टाइल में डिजाइन करवाए थे, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में था, जिसे फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी डिजाइन किया था दोस्तों। आप जानकर हैरान होंगे कि कैटरीना कैफ विकी कौशल से 5 साल बड़ी है दोस्तों। कैटरीना कैफ विकी कौशल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप कैटरीना कैफ विकी कौशल के फैन है तो इस वीडियो पर एक लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को जरूर ऑन कर